पिछले एपिसोड में हमने बात की टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में, और अब हम बात करने वाले हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में। पहले तो हम ये समझ लें कि ये दोनों बीमारियाँ टाइप 1 और टाइप 2 बिल्कुल अलग अलग तरह की हैं। उसके बाद में फिर और डिटेल बात करेंगे टाइप 2 के बारे में। तो टाइप 1 बीमारी, जैसे मैंने बताया था, कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें कि बॉडी खुद ही पैंक्रियाज पे अटैक कर देती है और इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ में ऐसा कुछ नहीं होता है, उसमें इंसुलिन बनता रहता है, बल्कि ज़्यादातर लोगों में पहले से थोड़ा ज़्यादा बनता है, लेकिन वो इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता है। और काम नहीं करने का रीज़न ये है कि एक चीज़ होती है बॉडी में जिसको कहते हैं इंसुलिन रिसेप्टर, तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ जहाँ पैंक्रियाज की बीमारी है, बीटा सेल्स की बीमारी है, इंसुलिन ना बनने की बीमारी है, वहीं टाइप 2 जो है वो इंसुलिन रिसेप्टर्स की बीमारी है। तो अगर हमें टाइप 2 डायबिटीज़ को समझना है, ठीक करना है, तो हमें इंसुलिन रिसेप्टर्स को समझना होगा। तो हम इंसुलिन रिसेप्टर्स की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ क्यों होता है और कैसे इसे होने से बचाया जा सकता है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ उन लोगों को होता है जिनकी तौंद निकली हुई हो, या फिर जो खाने में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा लेते हों, या फिर दिन भर बैठे रहते हों। तो अगर हम ये तीन चीज़ों पे कंट्रोल कर लें, अपनी तौंद को सपाट रखें, खाने में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ना लें, और ज़रा फिजिकली एक्टिव रहें, तो फिर हमको टाइप 2 डायबिटीज़ होगा ही नहीं। और एक बात और कि जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ अर्ली एज में होता है, अक्सर 20 के पहले ही हो जाता है, ये टाइप 2 डायबिटीज़ है लेटर एज में होता है, अक्सर 40 के बाद होता है, लेकिन आजकल 30-35 में भी होने लगा है। आइए अब हम समझ लेते हैं कि इंसुलिन रिसेप्टर्स क्या होते हैं। तो जो ग्लूकोज होता है वो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और ग्लूकोज बहुत रिएक्टिव भी होता है। आप ये समझिए कि ग्लूकोज वैसे ही है जैसे गाड़ियों के लिए पेट्रोल। गाड़ी पेट्रोल के बगैर नहीं चल सकती है, ऐसे हमारा शरीर बगैर ग्लूकोज के नहीं चल सकता है। ग्लूकोज कम हो जाए तो हम कोमा में चले जाएंगे, ख़त्म हो जाए तो डेथ हो जाएगी। लेकिन जैसे पेट्रोल बहुत ख़तरनाक होता है, ऐसे ग्लूकोज बहुत ख़तरनाक है शरीर के अंदर, इसलिए शरीर उस पर बहुत टाइट कंट्रोल रखता है कि कितना ब्लड में होना है, कितना सेल्स के अंदर होना है, कहाँ कितना होना है, क्योंकि अगर कहीं भी ज़्यादा हो गया तो फिर वो प्रॉब्लम करेगा। तो ये कंट्रोल रखने के लिए हर एक सेल में एक दरवाज़ा होता है ग्लूकोज को अंदर बाहर जाने के लिए, और वो सेल उसको रेगुलेट करती है। उस दरवाजे में एक ताला होता है, उस ताले को कहते हैं इंसुलिन रिसेप्टर, और उस ताले की जो चाबी होती है वो कहलाती है इंसुलिन। तो जब इंसुलिन चाबी लगती है इंसुलिन रिसेप्टर ताले में, तो दरवाज़ा खुलता है और फिर ग्लूकोज अंदर जा सकता है। और ये इंसुलिन कब करता है? इंसुलिन तब ये सब करेगा जबकि खून में ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा हो, या फिर सेल को ग्लूकोज की ज़रूरत हो। तो इस तरीके से इंसुलिन दो तरफा काम करता है, एक तो सेल की जो ग्लूकोज रिक्वायरमेंट है वो पूरी करता है, और दूसरा ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है उसको कंट्रोल करके रखता है। और ये जो भी ग्लूकोज अंदर जाता है सेल्स के, तो इसके दो यूज़ होते हैं। एक तो ये है कि सेल की जो इमीडिएट एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसके लिए वो उसको कंज्यूम कर लेती है, और दूसरा जितना भी बच जाए ग्लूकोज उसको फैट में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेती है। और इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि बिल्कुल फैट नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी बॉडी में फैट बनता जाता है, क्योंकि वो जो सेल्स हैं वो ग्लूकोज नहीं रख सकते हैं, ग्लूकोज रखना खतरनाक है, तो उसको एक सेफर फॉर्म में, फैट के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको स्टोर कर लेती हैं। अब प्रॉब्लम तब खड़ी होती है जब अंदर बहुत सारा स्टोरेज हो जाए, अंदर जगह ही नहीं बचे। तो ऐसे में सेल्स क्या करती हैं कि नो एंट्री का बोर्ड लगा देती हैं, वो इंसुलिन रिसेप्टर्स को ऑफ कर देती हैं। तो इंसुलिन आता है लेकिन वो फिर भी दरवाज़ा खुलता नहीं है और ग्लूकोज अंदर जाता नहीं है, और नतीजन ये होता है कि खून में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। अब खून में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ना भी खतरनाक है, या तो ये फिर ब्रेन में जाएगा, किडनी खराब करेगा, हार्ट अटैक लाएगा, कुछ ना कुछ करता है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। यही टाइप 2 डायबिटीज़ है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ को एड्रेस करने का जो कन्वेंशनल तरीका है वो ये है कि आप डॉक्टर के पास जाओ, तो डॉक्टर आपको मेटफॉर्मिन या कोई दूसरी दवाई या कोई हर्बल आयुर्वेदिक दवाई या इंसुलिन ही और प्रेस्क्राइब कर देंगे। तो ये जो दवाई है या एक्स्ट्रा इंसुलिन है, ये क्या करता है कि ये सेल का जो दरवाज़ा बंद है ग्लूकोज का, उसको ज़बरदस्ती खुलवाते हैं और फिर ग्लूकोज को पुश करते हैं। तो ऐसे पुश करने से ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है।
लेकिन ये एक तरीके से बड़ा हिंसक, बड़ा ही वायलेंट तरीका है, अच्छा तरीका नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि फिर वो दिनों दिन हालत ख़राब होती रहती है। या तो आप डाइट कंट्रोल करें, और डाइट कंट्रोल नहीं करते हैं तो मेडिकली टाइप 2 डायबिटीज़ को प्रोग्रेसिव डिसीज़ माना जाता है, कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ये बीमारी बढ़ती जाएगी, क्योंकि आफ्टर ऑल अंदर जगह ही नहीं है और आप ज़बरदस्ती पुश कर रहे हो, तो फिर लगातार आपको दवाइयों की खुराक बढ़ानी पड़ सकती है या और ज़्यादा पावरफुल दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है। टाइप 2 डायबिटीज़ को एक्चुअल में एड्रेस करने का एक बिल्कुल अलग अप्रोच हो सकती है। वो ये अप्रोच हो सकती है कि भाई दरवाज़ा क्यों बंद है, इसका पता लगाएं। अगर दरवाज़ा इसलिए बंद है कि अंदर जगह नहीं है, तो पहले अंदर जगह बनाई जाए, और अगर जगह बन जाएगी तो फिर रिसेप्टर अपने आप काम करने लगेंगे। तो वो जगह बनाने का तरीका है, और जगह बनाने का तरीका ये है कि कुछ दिनों के लिए आवक बंद कर दी जाए, खाना ना खाया जाए कुछ दिन, ग्लूकोज ना खाया जाए। तो उससे क्या होगा कि जो अंदर स्टोर्ड एनर्जी है उसके फॉर्म में वो फैट कंज्यूम हो जाएगा, और एक बार फैट कंज्यूम हो गया, एक बार सेल के अंदर जगह बन गई, तो फिर वो नो एंट्री का बोर्ड हट जाएगा, फिर वो रिसेप्टर्स फिर से ऑन हो जाएंगे, फिर आपका इंसुलिन दोबारा काम करने लगेगा। तो अगर हम ऐसा करें तो एक रैशनल अप्रोच होगी, ये एक अहिंसक अप्रोच होगी, एक सही अप्रोच होगी, और इस अप्रोच से डायबिटीज़ पूरी तरीके से ठीक हो सकता है, बल्कि इतनी तरीके से ठीक हो सकता है कि फिर आपको डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस भी ना रहें और आपकी जो मर्जी वो खाओ। और ये जो रिसेप्टर रीएक्टिवेशन फास्टिंग कहते हैं इसको, अगर ये कर ली जाए 3 से 7 दिन, तो 80% लोगों की डायबिटीज़ ठीक हो सकती है। कुछ लोगों की नहीं होगी, उन्हें फिर इसको 2-3 बार और करना पड़ेगा। और जबकि जो पहली अप्रोच है, जो कन्वेंशनल अप्रोच है, ज़बरदस्ती ग्लूकोज को अंदर सेल्स के अंदर पैक करने को, उससे ठीक नहीं होने वाला है। उससे सिर्फ ब्लड ग्लूकोज मेंटेन होने वाला है, और आपको ज़िंदगी भर दवाइयों की ज़रूरत पड़ने वाली है, चाहे वो देसी दवाइयाँ हों, चाहे अंग्रेज़ी हों, चाहे करेला हो, चाहे जामुन हो, कुछ भी हो, इन किसी भी चीज़ से डायबिटीज़ ठीक नहीं होता है, इनसे सिर्फ ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन होता है। जबकि जो दूसरी अप्रोच है, सेल को अंदर से क्लीन करने की, अंदर जो इकट्ठा फैट है उसको यूटिलाइज करने की, इससे डायबिटीज़ परमानेंटली ठीक हो सकता है। तो अब ये जो फास्टिंग है, रिसेप्टर रीएक्टिवेशन फास्टिंग, ये कैसे की जाए, इसको करने के क्या तरीके हैं, क्या सावधानियां इसको बरतनी है, इसकी बात हम करेंगे अगले एपिसोड में।